Hello, wish you a very warm welcome to all those who are watching this video. Today the topic is liver, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं या जिगर. तो fatty liver बहुत ही common term है, आजकल बहुत सुनने को मिलता है. ये disease बहुत फैल चुका है. It can be due to alcohol से related भी हो सकता है या फिर कुछ non-alcohol से भी related हो सकता है. तो आइए लीवर के बारे में स्ट्रक्चर एंड ऑल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फैटी लीवर के बारे भी जानेंगे. फैटी लीवर यानी कि फैट्स एक्युमुलेट हो जाते हैं लीवर में, बहुत ही नुकसानदेह होता है. इट इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन वेस्टर्न डाइट एंड फास्ट फूड वगैरह, ऑयली फूड्स वगैरह के कारण. तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फूड्स वगैरह खाने चाहिए जो कि लीफी वेजिटेबल्स हो या फिर एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड हो. ये सब वी शुड हैव ऑल दीज फूड्स इन आवर डाइट. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ द लीवर. लीवर के बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसके स्ट्रक्चर है. तो लेट्स बिगिन. लीवर, लीवर की इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, है ना. लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन. तो लीवर इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट ग्लैंड. इसे ग्लैंड भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये कुछ कुछ बाइल सिक्रीशन वगैरह सब कुछ सिक्रीशंस वगैरह ये करता है. ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना. फिर एक चीज है कि अबाउट इट्स लोकेशन, कैसा इसका लोकेशन है. लोकेशन कहाँ पाया जाता है, ये डायफ्राम के नीचे होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, राइट अपर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ये हमारा डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी कंप्लीट हो गया इतना, तो डायफ्राम के ऊपर में राइट कॉर्नर की तरफ समझिए, तो राइट अपर हैंड, राइट कॉर्नर अपर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम. ठीक है, थोड़ा बहुत स्टमक के ऊपर भी लाई करता है एंड ऑल्सो द किडनी, और उसके पीछे नीचे पोस्टीरियर की तरफ गॉल ब्लैडर लोकेटेड होता है. इफ़ यू सी इन द पोस्टीरियर व्यू, पीछे का व्यू देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा. ठीक है, और एक कुछ जनरल चीज़ें जो कि जानना चाहिए. अप्रॉक्सीमेटली हमारा लीवर कितना 1.5 केजी का होता है और कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन. कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन. और इसका कुछ कवरिंग्स इसके रहते हैं, कुछ कवरिंग्स प्रेजेंट होते हैं. कवरिंग को क्या बोलते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल. द कवरिंग ऑफ लीवर इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल. और उसके ऊपर एक सबसे ऊपर कवर होता है, यानी कि बेसिकली दो कवर होगा. सबसे ऊपर जो बाहरी ऊपरी सतह पे होगा, इट इज कॉल्ड एज सीरस कैप्सूल, है ना. कोई भी चीज़ ऐसे ढका रहता है ना, इंटरनल ऑर्गन जनरली पेरिटोनियम जिसे बोलते हैं, मीजोथीलियम, विसरल पेरिटोनियम से ढका रहता है, उसे क्या बोला जाएगा, विसरल पेरिटोनियम. ठीक है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम का अर्थ है कोई भी चीज़ जो कि किसी के ऊपर फैला दिया गया है, स्ट्रेच कर दिया गया, कवर कर दिया गया, ढक दिया गया उससे, तो दैट उसके लिए पेरिटोनियम वर्ड यूज़ किया जाता है. विसरा इंटरनल ऑर्गन के होता है, तो लीवर एक इंटरनल ऑर्गन है, तो उसका ऊपरी का कवर को सीरस कैप्सूल कहते हैं, और अंदर जो कवर होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल. ग्लिसन्स कैप्सूल उसे कहा जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे है. तो ग्लिसन्स कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर्स एंड ऑल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये, और उसके बीच में एक सेपरेशन होता है, तो जिसके कारण लीवर दो भाग में बट जाता है, एक राइट लोब बोलते हैं और एक को लेफ्ट लोब बोलते हैं. तो उस जो पार्ट डिवाइड करता है दैट इज द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट. फैल्सिफॉर्म लिगामेंट भी सीरस कैप्सूल का एक तरह का एक्सटेंशन ही होता है. चलिए, तो दो चीज याद रहेगा, लोब है राइट लोब और लेफ्ट लोब. ठीक है, चलिए अब इसके सामने से व्यू देख रहे हैं, इसके नीचे देखिए, नीचे की साइड में गॉल ब्लैडर दिख रहा है. चलिए अब आइए इसको हम लोग पीठ की तरफ से देखते हैं, पीछे की तरफ से. जैसे फ्रंट वाला ये व्यू दिख रहा था आपको गॉल ब्लैडर, दिस इज द एंटीरियर व्यू. और इसको पीछे की तरफ से, पोस्टीरियर व्यू की तरफ से देखिएगा, तो पीछे जाकर देखिएगा तो लीवर के पीछे ऐसे देखिए कैसे छुपा हुआ है ग्रीन कलर में ये गॉल ब्लैडर. ठीक है, ग्रीन कलर में जनरली डिनोट किया जाता है क्योंकि गॉल ब्लैडर का काम ही होता है, जो बाइल सिक्रीट करता है लीवर उसको वो स्टोर करके रखता है, और वो ग्रीन कलर का जनरली होता है, ग्रीनिश येलो इन कलर. तो बाइल पिगमेंट्स ग्रीनिश येलो इन कलर होते हैं, उसके कारण जनरली डायग्राम में ग्रीन कलर से शो किया जाता है. ठीक है, तो इसके पीछे और भी दो एक्स्ट्रा लोब दिख रहे होंगे, तो एक कॉर्डेट लोब पीछे की तरफ से और एक
क्वाड्रेट लोब, कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब, दो एक्स्ट्रा और लोब भी प्रेजेंट होते हैं बिसाइड्स द राइट लोब। तो राइट लोब को राइट प्रॉपर लोब भी कहा जाता है, जो एक बच गया मेन, और उसके अलावा राइट साइड में दो और लोब है, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। तो दिस इज द जस्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द लिवर। तो ज़्यादा डिटेल्स आपने जाने की जरूरत नहीं, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें से जो है पोर्टल वेन एंटर करता है ना, वो डिटेल्स भी मैं बताऊंगा पोर्टल सिस्टम के बारे कुछ, और बाइल डक्ट्स वगैरह भी निकलता है। तो उसके डक्ट सिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो डक्ट सिस्टम और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है ये, तो इससे जो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर है, और इससे जो डक्ट, जो ट्यूब ट्यूब या ट्यूब्यूल्स क्या क्या निकल रहे हैं, या तो वो आर्टरी है, वेन है, या फिर खुद बाइल डक्ट है, तो ये उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेट अस फर्स्ट सी फ्यू फैक्ट्स अबाउट द लिवर। फैक्ट्स का समय आ गया। फैक्ट्स क्या भाई, लिवर के पास बहुत ही रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, बहुत ही रीजनरेट कर सकता है। अगर डैमेज हो गया लिवर है ना, अल्कोहल यूज या कोई भी बीमारी किसी कारण, तो इवन अगर 90% डैमेज भी हो गया, सिर्फ 10% बचा हुआ, फिर भी इसके पास कैपेसिटी होता है कि इट कैन इंक्रीज इन साइज। तो वो साइज में अपना इंक्रीज हो सकता है, थोड़ा सा बचा हुआ तो इट कैन इंक्रीज इन साइज, बट जनरली वो ओरिजिनल शेप को नहीं ले पाता है, बट मास ऑक्यूपाई कर लेता है, नंबर ऑफ हेपेटोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसके पास हाईली रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, और रीजनरेशन कैपेसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कुछ कुछ होते हैं, जो हेपेटिक ग्रोथ फैक्टर इन्हें कहा जाता है, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स है ना, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं जिनके कारण रीजनरेशन होता है, ठीक है। तो जो फैटी लीवर के बारे जो मैं बात कर रहा था, फैटी लीवर क्या है, NALFD सर क्या लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा है। N stands for non-alcoholic, alcohol जो नहीं पीते उनमें भी फैटी लीवर होने का संभावना होता है। तो ये क्यों हो गया, जो जनरली तो देखा गया अल्कोहल वगैरह होता है तो कन्वर्ट कर लिए फैट के हेपेटोसाइट्स के अंदर फैट वगैरह जमा हो जाते हैं, तो उसे फैटी लीवर। सबसे पहले फैटी लीवर किसको बोलते हैं ये जान लीजिए, ठीक है। फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर मतलब कि लीवर के जो सेल्स होते हैं जिसे हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उनके अंदर जो फैट्स है जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ये सब जनरली स्पीकिंग ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में ज़्यादा जमा हो जाता है, तो हेपेटोसाइट्स अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए वो अनहेल्दी हो जाता है, तो उसे अनहेल्दी लीवर कहा जाता है। जिस तरह से डायग्राम दिख रहे हैं, खूब सारे सेल्स बने हैं, दे आर द हेपेटोसाइट्स, और उसके अंदर येलो येलो कलर का बना दिए हैं, तो ये सब क्या हो गया, फैट्स, फैट का एक्यूमुलेशन हो गया। फैट के एक्यूमुलेशन के कारण इसको क्या बोला जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज फैटी लीवर। तो फैटी लीवर हम लोग खान पीन अगर ज़्यादा फैट्स ले रहे हैं, खाना में तेल वेल ज़्यादा खा रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह, तो इन सब के कारण ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और ये अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, अगर जो अल्कोहल नहीं भी पीता है उनमें हो जाता है, हो सकता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन अल्कोहलिक फैटी डिजीज, है ना, एब्डोमिनल पेन वगैरह कुछ कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो जनरली हम तो ये तो जनरल नॉलेज हो गया, तो कुछ जान लीजिए क्या खान पीन होना चाहिए, है ना, दिस इज अबाउट आवर जनरल नॉलेज। तो एक जनरल नॉलेज का कुछ चीज़ भी आना चाहिए, ठीक है। तो जनरल लीफी वेजिटेबल्स है, या फिर विटामिन सी रिच फूड्स है ना, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, ये सब ज़्यादा खाना चाहिए, तो जो कि दे कैन काउंटर एक्ट द लिपिड इनटेक दैट यू आर टेकिंग। टर्मरिक हो गया, गार्लिक हो गया, ग्रीन टी हो गया, तो you can have all these things. तो olive oil is much preferred as compared to other oils. जिनके पास patients हो गया तो उनके पास ये generally खाना चाहिए, और जिनको नहीं भी हो रहा है तो कोशिश करना चाहिए अपने diets में leafy content increase कर देना चाहिए, leafy vegetables, leafy content increase कर देना चाहिए ना, green tea वगैरह पीजिए, तो generally ऐसे भी सही रहेगा अपना body, ठीक है। तो If you can increase जो antioxidants का जो food है, जैसे विटामिन सी वगैरह का intake बढ़ा दीजिए, तो orange हो गया, lemon हो गया, आंवला हो गया, तो ये सब you can take in, है ना। इसके अलावा beetroot, carrots, ये सब भी ले सकते हैं। चलिए, तो this is the general knowledge about the liver. Liver हमारा damage होके खुद repair कर सकता है, but हमें ध्यान देना है अपने food intake के बारे में भी, ज़्यादा तेल वेल का मात्रा हम लोग नहीं खाएं, ठीक है। इस ये मतलब नहीं कि भाई तुम रीजनरेट कर दे तो ये लो खिलाते जाओ, कुछ भी खिलाते जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो ये टेक अवे मैसेज आज ले जाइए।
चलिए कमिंग बैक टू द डक्ट सिस्टम एंड द स्फिंक्टर्स। तो जैसा कि हमने देखा था गॉल ब्लैडर वगैरह पीछे, अब हम बता रहे हैं कि इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर बना रहता है। तो बाइल सिक्रीट करता है तो बहुत सारे हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के नाम क्या होते हैं? हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स एक्चुअली में क्या होता है कि जो लीवर होता है ना, लीवर, इसका एक बेसिक में आपको एक मिनट बता दे रहा हूँ। देखिए लीवर जो होता है, लीवर किसका बना होता है? लीवर लोब्यूल्स का बना होता है। बहुत सारे लीवर लोब्यूल्स का, ये लीवर लोब्यूल्स तो जो ग्लिसन कैप्सूल है ना, मोस्टली ग्लिसन कैप्सूल का थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन हो जाता है तो ये अंदर घुस जाता है। जैसे कि कवरिंग है ना, तो इसके अंदर घुस गया है, तरह तरह से सब जगह घुस गया है। घुस घुस कर क्या बना दिया? बहुत सारे हेक्सागोनल शेप के लोब्यूल्स बना लिए, हेक्सागोनल शेप के लोब्यूल्स बना लिए। तो इसी को लोब्यूल बोला जाता है। दिस इज द यूनिट ऑफ जो लीवर हो गया, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो उसके सेल्स हो गए, जो कि इसके अंदर किस तरह से अरेंज है तो उन्हें हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। तो सेल्स कैसे अरेंज होते हैं? हेक्सागोनली अरेंज इसके अंदर बने रहते हैं, ठीक है। तो इनका अरेंजमेंट कैसा रहता है वो आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका बाइल डक्ट वगैरह का आपको बताता हूँ। देखिए कैसा अरेंजमेंट होता है, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट इसका बना रहता है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको जो स्ट्रक्चर है, जो हेपेटोसाइट्स बता रहा था, यहाँ पे ऐसे हेक्सागोनली अरेंज रहते हैं इस तरह, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ अबाउट द डक्ट सिस्टम, ठीक है। डक्ट सिस्टम के बारे जान लीजिए, देन आई विल कम टू द फर्दर डिटेल्स। तो ये तो लीवर के अंदर की बात है, इंटरनल स्ट्रक्चर। बाहर का जो दीज आर द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, तो इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स है जो इसके बाहर वगैरह क्या पाए जाते हैं, लीवर के अंदर कौन से ब्लड वेसल और कौन से ट्यूब वगैरह अंदर अंदर बाहर जाते हैं उसके बारे में। तो जो हेपेटोसाइट्स जो है, जो कि हेक्सागोनली लोब्यूल्स के अंदर अरेंज है, वो बाइल सिक्रीट करते हैं और वो बाइल कैनालिकुलाई जुड़ जुड़ के इंटरहेपेटिक बाइल डक्ट बनाते हैं। और वो प्रॉपर दो डक्ट बनाएंगे, एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनाएंगे, वन दे विल फॉर्म लेफ्ट साइड में लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। तो ये दोनों बिना मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देंगे। कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल होते हुए जाएगा और फिर वो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बाइल जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया तो वो जो रास्ते डक्ट से जाता है, दैट इज सिस्टिक डक्ट। यानी कि फिर सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। सिस्टिक वर्ड जनरली सिस्टिक कोलेसिस्टिक, यू नो, सिस्टिक वर्ड गॉल ब्लैडर के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा। और फिर यहाँ पे जो पैंक्रियाज होता है प्रेजेंट, पैंक्रियाज का जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट से वो जुड़ जाएगा, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से वो जुड़ जाएगा। क्या? कौन सा? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट जैसे ही जुड़ा तो उसे हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जब फिर डियोडेनम में जाके खुलता है, वहां पे थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है तो उसे एम्पुला कहा जाता है, हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। कैसा नाम दे देंगे? हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। तो हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला हो गया, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। तो ये ऐसा है। तो ये देखिए, याद रखिए, कैसे याद रखिएगा? देखिए देखिए, मैं इसको यहाँ पे इसीलिए इलाज करके बताया हुआ हूँ। देखिए लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गया है ना, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट राइट हेपेटिक डक्ट से बाइल होते हुए आ रहा है, ये दोनों जगह से। फिर वो कहाँ मिल गया? कॉमन हेपेटिक डक्ट में। फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से मिला, सिस्टिक डक्ट से मिलके क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे बाइल है, ऊपर में लीवर के आसपास था तो क्या नाम है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। नीचे बाइल स्टोर रहता है, बाइल के आसपास का नाम क्या दे दिया? कॉमन बाइल डक्ट। फिर कॉमन बाइल डक्ट मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलके क्या बनाएगा? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये वाला क्या है? हेपेटो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया ये, ठीक है। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट थोड़ा सा फैला रहता है, उसका कोई भी ट्यूब या ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर जो कि फैला हो गया, स्ट्रेच हो गया, तो उसको एम्पुला कहा जाता है। तो इसीलिए फैला हुआ स्ट्रक्चर को इट इज कॉल्ड एज एम्पुला, साइंटिस्ट के नाम पे है, एम्पुला ऑफ
वेटर, ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। और इसके अंदर कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिस्टिक कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट के यहाँ पे जब वो पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलने से पहले एक स्फिंक्टर रहता है जो कि उसका बाइल का कंट्रोल करता है, गार्डिंग करता है, स्फिंक्टर का काम ही होता है गार्ड होते हैं, तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट कॉल स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन हो गया, बी से बॉयडन और बी से बाइल, तो कॉमन बाइल डक्ट को ये गार्ड करता है, ठीक है। तो सिमिलरली जो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के पास भी एक स्फिंक्टर होता है ना, जो एम्पियाटिक जो एम्पुला के पास जो प्रेजेंट होता है, एम्पुला ऑफ वेटर के पास, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओ डी डी आई, ठीक है, ओडाई, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो गया ये, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, कैसे भूलेंगे नहीं, सपोज करिए ड्यूओडेनम है यहाँ पे, है ना, ड्यूओडेनम है यहाँ पे, एम्पुला है, एम्पुला आया, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला है, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला थोड़ा सा यहाँ पे सोलन है, ठीक है, यहाँ पे सोलन हो गया, सोलन हो गया तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, स्फिंक्टर का क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, तो ऑडी कारी गाड़ी होती है, तो ऑडी गाड़ी से याद रखिए, कोई मान लीजिए सपोज कार से आ रहा है लेने के लिए खाना, है ना, खाना, खाना आता है ना रास्ते में, ड्यूओडेनम में क्या आ रहा है, खाना, ये क्या है, इसमें से खाना आ रहा है ऑडी, तो बट ये इसमें से जा नहीं पाएंगे, तो सपोज कुछ खाना वगैरह रिसीव करने के लिए वेटर्स को भेजा जाएगा, तो वेटर, इसीलिए वेटर को क्या बोलते हैं, वेटर तो स्पेलिंग अलग है भले ही, तो वेटर, वी ए टी आर, तो वैसे वो ट्रिक याद कर सकते हैं, यहाँ पे वेटर लोग गए, यहाँ पे है ना कुछ वेटर लोग गए, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, वेटर से क्या हो गया, ऑडी गाड़ी हो गई और वेटर, है ना, वेटर एंड ऑडी गाड़ी, तो याद रखिएगा स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई और कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एम्पुला ऑफ वेटर के पास। तो चलिए ये तो ट्रिक हो गई, तो डक्ट और ये डक्ट एसोसिएटेड डक्ट सिस्टम के बारे में जान लिए, दो स्फिंक्टर्स के बारे में जान लिए, नेक्स्ट वील कम टू डिटेल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हम लीवर को कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, लोब्यूल का देखिए जो कट सेक्शन हम बता रहे थे, तो उसको लोब्यूल को समझने के पहले एक टर्म जान लीजिए, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जनरली कोई भी हमारे अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर ऑर्गन्स, वन मिनट, तो जनरली जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड आर्टरी से रिसीव करते हैं और वेन्स से वापस इंफीरियर वेना कावा को दे देते हैं, जैसे कि सपोज ये हार्ट है, तो हार्ट से आर्टरी के थ्रू आया और फिर सपोज कोई ऑर्गन है, दिस इज वन ऑर्गन, दिस इज आवर हार्ट, तो आर्टरी के माध्यम से कोई भी ब्लड आता है ना, ऑक्सीजन वगैरह, और फिर ये इसको ऑर्गन को मिल जाता है और फिर वो वेन्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब दे देता है, इन्फीरियर वेना कावा को चला जाता है, तो यही ज़्यादातर ऐसा ही होता है, बट हमारे इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर सपोज ये कोई और ऑर्गन है और फिर वो इन्फीरियर वेना कावा की तरफ चला गया, तो ऐसे ही इस तरह का नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल ये हो गया फिजियोलॉजी ऐसा हो गया, बट हमारे इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, उसमें क्या करता है वो ऑर्गन ना दूसरे ऑर्गन के अंदर जाके अपना ब्लड दे जाता है, अरे भाई तुमको इन्फीरियर वेना कावा में ब्लड डालना था ना, बट वो ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में दे देता है, दूसरा ऑर्गन क्या होता है, लीवर, तो जो भी इसके यहाँ पर जैसे कि हम हार्ट बना लीजिए, ये आपका हार्ट हो गया, ये आर्टरी आया और ये इन्फीरियर वेना कावा है और यहाँ पे आपका लीवर है, तो जो भी एक तो लीवर को जो ऑक्सीजन तो मिलेगा ही ना, एक तो ऑक्सीजन आराम से मिल रहा है हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, जो रेगुलर इसके पास तो प्रेजेंट है ही अपने पास, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो रेगुलर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भेजेगा अपना जो भी, तो ये तो हेपेटिक वेन इसके पास प्रेजेंट है,
जनरली ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है, तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हेपेटिक वेन, ठीक है। तो हेपेटिक वेन के थ्रू तो चला ही जाएगा, बट इसमें कुछ और भी लोग होते हैं अगल बगल के जो ऑर्गन, वो बोलते हैं भाई मैं तो लीवर में ही डालूंगा, ठीक है। लीवर के अंदर ही अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो भी है, और जनरली वो डाल देते हैं। उसका क्यों डालते हैं, उसका कारण क्या है, अभी मैं बताता हूँ। जैसे स्टमक हो गया या फिर इंटेस्टाइन हो गया, तो सारा अपना जो भी ना गंदा ब्लड वगैरह सब इसी में, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसी में डाल देंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी तो आर्टरी के थ्रू तो आएगा ही, है ना, आर्टरी के थ्रू आएगा, है ना। मिसेंट्रिक आर्टरी होता है, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरीज वगैरह, उसके ब्रांचेस, तो वो आर्टरीज के थ्रू तो इनके पास तो जाएगा ही, है ना, ऑक्सीजन। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डायरेक्ट लीवर को भेज देते हैं, वो इन्फीरियर वेना कावा को नहीं भेजते हैं डायरेक्टली, है ना। इन्फीरियर वेना कावा में जाके वो उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है, क्यों, किस में भेज देते हैं, वो लीवर में भेज देते हैं। भाई लीवर को परेशान कर रहे हैं, तो लीवर को इसीलिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, डिटॉक्सिफिकेशन बहुत चीज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो खाना है इसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, बट इसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मतलब कि जैसे कि खूब सारा ग्लूकोज हो जाएगा, है ना, अमाइनो एसिड्स, तो ये सब इसके अंदर बहुत प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये दे देता है लीवर को, जो भी एक्सेस वगैरह है ग्लाइकोजन में स्टोर कर दो, और बाकी ब्लड में जाके ज़्यादा ग्लूकोज नहीं फैले। अगर ये डायरेक्टली चला जाता है इन्फीरियर वेना कावा में, तो पूरे बॉडी में घूमते रहता ना, तो बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा ग्लूकोज का, तो दिक्कत हो जाएगी बॉडी को। इसीलिए क्या करता है, वो लीवर को भेज देता है, जो भी एक्सेस वेक्सेस चीज़ है भाई तुम देख लो, है ना। ये यानी कि बैलेंस का काम करता है, होमोस्टेसिस का बहुत मेंटेन रखता है भाई, ग्लूकोज का लेवल वगैरह सब चीज़ को, तो इसीलिए इसको बाईपास होके जाना पड़ता है। तो ये बाईपास होते हुए जो जाता है, बाईपास वाले सिस्टम को पोर्टल वर्स की यूज़ किया जाता है, बाईपास सिस्टम के लिए पोर्टल यूज़ होता है, तो ये इसीलिए इसे हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन इसको कहा जाता है, यानी कि लीवर के अंदर एक एक्स्ट्रा वेन भी और ब्लड लेकर आ रहा है, बट वो डीऑक्सीजनेटेड है, कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट इट इज ऑल्सो रिच इन ग्लूकोज, इट इज रिच इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में वो रिच है, अमाइनो एसिड्स में वो रिच है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। क्या क्या हो गया, जो तीन चीज हो गया, देखिए एक तो हेपेटिक आर्टरी से तो आएगा, हेपेटिक आर्टरी इसका रेगुलर हो गया, और हेपेटिक वेन से तो चला जाएगा, और ये तीसरा एक जो आया हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो इसी सबके बारे में हम लोग जानेंगे, और लीवर कुछ और चीज सिक्रीट कर रहा होता है, जो हमें बताए बाइल, है ना, बाइल डक्ट्स वगैरह निकले, जो इस हेपेटिक डक्ट निकलता है, जो कि जाके गॉल ब्लैडर में वो स्टोर कर देता है बाइल, तो बाइल सिक्रीशन करने का तो एक बाइल बना देता है, दैट इज द हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट, है ना, हेपेटिक डक्ट जो कि मतलब कि बाइल से रिलेटेड है, बाइल का सिक्रीशन को वो लेकर जाएगा गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर करेगा। तो इस तरह का देखिए खूब क्या क्या इसके डक्ट्स आ जा रहे हैं, ब्लड वेसल से रिलेटेड तो तीन हो गए, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक बाइल से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द हेपेटिक डक्ट, है ना, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएंगे। तो ये आइए अब आपको समझ में आएगा, ये देखिए पोर्टल से पोर्टल वेन का ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, ये स्टमक से लेकर आ रहा है ना, स्प्लीन में, स्प्लीन से भी लेके आता है ना, स्टमक से भी लेके आता है ना, जो पैंक्रियास से, स्प्लीन से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा से सबसे ब्लड लेके ये हेपेटिक पोर्टल वेन लेके आया, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच है ना, ग्लूकोज में, ग्लूकोज कंटेंट इसका हाई है ना, अमाइनो एसिड्स का कंटेंट हाई है। सर फैटी एसिड क्यों नहीं बोल रहे हैं, अच्छा अभी समझाएंगे, फैटी एसिड का जब डाइज पढ़ेंगे ना तब, क्योंकि वो लैक्टियल्स के माध्यम से वो लिम्फेटिक्स में चला जाता है, वो अभी यहाँ पे जनरली रिच नहीं होता है, नॉट रिच इन फैटी एसिड्स। चलिए इतना भी याद रखिए, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स इसमें मोस्टली प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके बारे में पोर्टल वेन। अब देखिए
इसके लोब्यूल का जो इंटरनल डायग्राम जो बता रहे थे, जहाँ पे हम लोग आके गाड़ी हमारी रुक गई थी। ठीक है, तो अब ये उसके बारे में समझिए। तो जो लोब्यूल हमारे है इसके अंदर ऐसा हेक्सागोनल लोब्यूल है और बीच में ऐसा क्या है, साइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द साइनोसाइट्स। ये जो ऐसा कैपिलरी जैसा स्ट्रक्चर है, साइनोसाइट क्या होता है, कैपिलरी होता है, कैपिलरी जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो कैपिलरी इट इज अ टाइप ऑफ कैपिलरी है ना, टाइप साइनोसाइडल कैपिलरी होता है। बहुत ही उसके अंदर आसानी से डिफ्यूजन वगैरह हो सकता है क्योंकि बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल सेल्स में। तो इन्हीं साइनोसाइट्स में, एंडोथेलियल सेल्स में कप्फर सेल भी प्रेजेंट होता है जो कि मैक्रोफेज का काम करता है, फैगोसाइटोसिस इसका काम है। तो ये मैक्रोफेज होता है, मैक्रोफेज ऑफ लिवर एग्जाम आदि में क्वेश्चन आता है, तो ये इसका काम है फैगोसाइटोसिस करना। ठीक है, खाना को खाएगा, तो ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे लोकेशन होता है, साइनोसाइडल, साइनोसाइड में, इसका साइनोसाइडल कैपिलरी में ये लोकेटेड होता है। अब क्यों बता रहे हैं सर ये कैपिलरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आके खुलेंगी जो हम लोग पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं, क्या आएगा इसके पास, क्या क्या आएगा बताइए, जो क्या क्या ब्लड लेकर आ रहा है बताइए। जैसे कि हेपेटिक आर्टरी है ना, तो हेपेटिक आर्टरी इसके पास लेके आ रहा है जो कि रेड कलर से बना है। तो हेपेटिक आर्टरी इसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह लेके आएगा हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, और उसका जो भी ब्रांच होगा है ना, हेपेटिक आर्टरी का जो भी ब्रांचेस होगा, और फिर सिमिलरली जो हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन ये रहा, हेपेटिक पोर्टल वेन क्या लेके आएगा, इसी साइनोसाइडल कैपिलरी में ही डालेगा सब है ना। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या डालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ग्लूकोज एंड ऑल। ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लिख दिया मैं, तो ये इसके अंदर दोनों डाल देगा। तो ये दोनों इसका काम हो गया। और फिर एक और क्या स्ट्रक्चर आया जो कि बाइल डक्ट है ना, बाइल डक्ट, यहाँ पे बाइल डक्ट्स भी प्रेजेंट होगा, बाइल कैनालिकुलाई भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, बाइल कैनालिकुलाई, ग्रीन कलर से बना दे, तो बाइल कैनालिकुली भी प्रेजेंट होगा जो कि इसके अंदर बाइल सिक्रीट करेगा। बाइल जो हेपेटोसाइट्स जो भी यहाँ पे है ना प्रेजेंट है, हेपेटोसाइट्स अपना बाइल बनाएंगे और फिर वो बाइल कैनालिकुलाई, बाइल कैनालिकुलाई मतलब कि छोटा सा कैनाल है ना, कैनाल्स का बच्चा कैनालिकुलाई, तो यानी कि ट्यूब, ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि बाइल होता हुआ चला जाएगा। तो बाइल का डायरेक्शन क्या होगा, बाइल होता हुआ चला जाएगा, बाहर जाएगा बाइल। ठीक है, बाइल कैनालिकुलाई से होता हुआ फिर ये कहाँ चला जाएगा, हेपेटिक, हेपेटिक डक्ट्स है ना, हेपेटिक, हेपेटिक डक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये तो उसका अलग रास्ता हो गया। अब जो ब्लड वाले ब्लड वेसल्स पे वापस आ जाइए, ऑक्सीजन आया था, कार्बन डाइऑक्साइड आया था, तो ब्लड अंदर जाके कहीं तो जल जाएगा ना, तो ये सेंट्रल वेन्यूल हो गया ना, सेंट्रल वेन्यूल के सेंट्रल वेन बना देगा। तो सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक वेन। तो सेंट्रल, सेंट्रल वेन फाइनली किसमें ब्लड लेके जाएगा, सेंट्रल वेन फाइनली जो सेंट्रल वेन है, इट विल टेक द ब्लड टू टू द हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन को लेके चला जाएगा और फिर अपना इन्फीरियर, फिर वो हेपेटिक वेन का इन्फीरियर वेना कावा से होता हुआ, इन्फीरियर वेना कावा से होता हुआ चला जाएगा हार्ट में। तो ये इस तरह से ऐसा इसका सर्कुलेशन होगा। ठीक है, यानी कि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है जो हेपेटिक आर्टरी से, तो नॉर्मल हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन मिलेगा, या अब ये डायग्राम देखिए समझ में आएगा। ठीक है, जो हेपेटिक ब्रांच, हेपेटिक आर्टरी का जो ब्रांच है उससे तो इसको नॉर्मल ऑक्सीजन मिलना ही मिलना है, इसको ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन चला जा रहा है, दिस इज आवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच है तो इसको ये ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे सब जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, और पोर्टल वेन से क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ग्लूकोज आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज भाई आ रहे हैं, और ये क्या ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर दोनों जाके सेंट्रल वेन में चला जाएगा, सेंट्रल वेन फिर हेपेटिक वेन को पहुंचा देगा। तो ये इसका ओवरऑल डायग्राम है, और हेक्सागोनली अरेंज रहते हैं हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स दे आर द सेल स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। लिवर को
हेपेटिक वर्ड यूज होता है, लिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेपर, HEPAR, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर। लेट अस नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द लिवर। लिवर के फंक्शंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। लिवर का फंक्शंस क्या है, डिवाइड इट कैटेगोरिकली, वी कैन डिवाइड इट इनटू मेटाबॉलिक, सिंथेटिक, सेक्रेटरी, डिटॉक्सिफिकेशन और स्टोरेज, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन से जो रिलेटेड हमारा है वो बाइल है ना। तो वो क्या करता है, बाइल का सिक्रीशन कराता है। बाइल का क्या कराता है, सिक्रीशन कराता है। बाइल का सिक्रीशन कराएगा तो इस बाइल का कंपोजिशन जान लीजिए। बाइल क्या है, बाइल यानी कि कौन बनाता है। कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बाइल कौन बनाता है, तो बाइल इज मेड बाय द हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स हमारा बाइल बनाएगा। तो बाइल का क्या कंपोजिशन होता है, मोस्टली वाटर वगैरह होता है और कुछ अदर भी कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि बेसिस पे सारा फंक्शंस हमारा आधारित है, निर्धारित है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या इसमें प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में थोड़ा बहुत मदद करते हैं, बट ये इंजाइम्स इसमें एब्सेंट होता है ना। बाइल में क्या होता है, कोई इंजाइम प्रेजेंट नहीं है, दो कोई इंजाइम नहीं प्रेजेंट है, तो इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन नहीं करता, ये फिजिकल ब्रेकडाउन करता है। जैसे कि फैट्स होता है, कोई बड़ा सा फैट है ना, फैट का बड़ा सा ड्रॉपलेट है, एक रबर का टुकड़ा मान लीजिए, उसको हम लोग कट कट करके तोड़ दिए तो छोटा छोटा रबर का टुकड़ा हो गया, तो वही एक काम है। तो एक फैट का मान लीजिए क्या है, फैट का ग्लोब्यूल है बड़ा सा, और फैट को छोटे छोटे में ये टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ डालता है बाइल सॉल्ट्स। क्या तोड़ता है, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स तोड़ डाला तो ये छोटे छोटे टुकड़े बन गए, तो दीज आर द स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड, इमल्सिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो इस तरह से फैट का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, फिर इसके बाद बाइल सॉल्ट्स दे ऑल्सो कॉज द एक्टिवेशन ऑफ, दे ऑल्सो कॉज एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, है ना। तो जो लाइपेज का एक्टिवेशन, जो पैंक्रिया सिक्रीट कर रहा है, इंटेस्टाइन सिक्रीट कर रहा है, उसका एक्टिवेशन करा देगा, और फिर वो फैट ड्रॉपलेट्स लाइपेज के मदद से बाद में होगा, ये है ना, ये बाइल नहीं कर रहा है। तो बाद में फिर इसका जो मोनोग्लिसराइड वगैरह, फैटी एसिड्स वगैरह, ग्लिसरॉल में ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वी विल टॉक अबाउट इट इन फर्दर कमिंग क्लासेस। तो अभी मेन जान लीजिए, बाइल सॉल्ट क्या कर रहा है कि फैट ग्लोब्यूल है, फैट ड्रॉपलेट्स, ये हो रहा है। तो बाइल सॉल्ट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या इनके नाम है, तो वो एग्जाम में कभी कभी आ सकते हैं, तो वो नाम आना चाहिए। क्या क्या बाइल सॉल्ट्स के कौन कौन से सॉल्ट्स है ना, नमक है ना, कौन कौन से सॉल्ट्स इसमें प्रेजेंट है। तो एक प्रेजेंट होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम, फिर सोडियम ग्लाइकोलेट, पोटेशियम ग्लाइकोलेट भी हो सकता है, ठीक है। फिर सोडियम टॉरोकोलेट, क्या है, टॉरोकोलेट, ठीक है। और ये सोडियम है तो ये इसके अंदर भी पोटेशियम भी हो सकता है, और ये पोटेशियम भी हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम टॉरोकोलेट भी हो सकता है। तो मेनली ये दोनों जो सॉल्ट्स है, ये दोनों बाय ग्लाइकोलेट और टॉरोकोलेट, यही मेन फैट वाला जो इमल्सिफिकेशन होता है फैट्स पे, यही एक्ट करता है, ठीक है। और NaHCO3 बाई कार्बोनेट आयन्स इसमें प्रेजेंट है, तो यानी कि ये वो pH को पॉजिटिव, मतलब कि अल्कलाइन बना देगा। तो जनरली 7.8 pH बना देता है। तो HCl है ना, स्टमक जो था, स्टमक के अंदर से आया ना स्ट्रक्चर, जो इसे काइम कहा जाता है, CHYME। तो काइम क्या होता है, काइम इज वेरी वेरी एसिडिक, है ना, क्योंकि इसके पास HCl प्रेजेंट होता है। तो ये HCl के कैंसिल आउट कौन कर देता है, बाइकार्बोनेट। तो ये pH जो होता है 7.8 pH के कारण हमारा दो काम होता है, एक तो HCl का कैंसिलेशन कर देगा, HCl का कैंसिलेशन कर देगा और पॉजिटिव आएगा, और अल्कलाइन नेचर होता है तो ये
माइक्रोब्स का ग्रोथ को भी रोक देता है। तो माइक्रोब्स को भी भाई खत्म कर देता है ना, ताकि इसका डिग्रेडेशन नहीं हो जाए। पता चला खाना अंदर में ही सड़ने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए एल्कलाइन पीएच ये मददगार साबित होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फैबाइल सॉल्ट्स का क्या क्या फंक्शन हो गया। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द अदर कंपोजिशंस प्रेजेंट इन द बाइल सॉल्ट्स के अंदर और क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, उसी का नाम पे एक एक करके हम लोग फंक्शन भी देखते जाएंगे। सबसे पहले बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर बाइल सॉल्ट्स के बाद क्या प्रेजेंट होंगे, बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, हम लोग क्या हम लोग अभी देख रहे हैं बाइल का कंपोजिशन। ठीक है, बाइल का कंपोजिशन के अंदर क्या क्या आता है, बाइल सॉल्ट्स हमने पढ़ लिया, बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, फिर बाइल पिगमेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, देन कोलेस्ट्रॉल भी हमारा सिंथेसाइज करता है हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और वाटर तो होगा ही, है ना, वाटर तो प्रेजेंट होगा ही। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। बाइल पिगमेंट्स के अंदर दो टाइप के बाइल पिगमेंट होते हैं, बिली रुबिन और बिली वर्डिन। ये दो नाम से आप लोग सुने होंगे, जूनियर क्लासेस से भी पढ़ रहे होंगे, बिली रुबिन एंड बिली वर्डिन। ठीक है, तो बिली रुबिन और बिली वर्डिन क्या है, ये है ना, दे आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीसीज, है ना, जो आरबीसीज का इरेथ्रो ब्रेकडाउन को इरेथ्रोक्लेसिया भी कहा जाता है। तो उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, कैसे बिली रुबिन कैसे बिली वर्डिन बनता है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो आरबीसीज का ब्रेकडाउन है ना, स्प्लीन नाम सुना होगा, है ना, स्प्लीन एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है देयर व्हिच इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन के अंदर ऐसे ऐसे पतले पतले रेटिक्यूल लाइक कैपिलरीज बहुत प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू आरबीसीज स्क्वीज करते हैं, है ना, इवन सारे जितने भी बॉडी के अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट है आरबीसीज स्क्वीजिंग मूवमेंट के थ्रू ही मूव करते हैं, क्योंकि उनका साइज डायमीटर कैपिलरी से थोड़ा कम होता है, बट फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जिसके कारण वो मूव करते रहते हैं। इसीलिए उनके साइड्स कैसे होते हैं, इरोड होते रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है, ना 120 दिन में इनका डेथ हो जाता है धीरे धीरे। तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन। तो क्योंकि जैसे कोई भी गुफा जैसा स्ट्रक्चर, उसमें से हम घुसते हुए जा रहे हैं, तो हमारा बॉडी साइड से छिलते गया, बहुत बार बार जा रहे हैं तो हमारा छिलते जाएगा, तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है पीसेस में। तो फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो पीसेस को फिर जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, रेटिकुलर सेल्स या लीवर के अंदर कफर सेल्स, तो वो सब उसको फैगोसाइटोस कर लेते हैं। तो फिर ये टुकड़ा होने के बाद क्या होता है, एक्चुअली में जो आरबीसीज होता है, ये क्या है आरबीसीज, तो आरबीसीज का किस चीज का बना होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसीज नथिंग बट ए बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो हीमोग्लोबिन किस चीज में बढ़ जाएगा, हीम और ग्लोबिन में, तो ग्लोबिन और हीम। ठीक है, तो ग्लोबिन तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फिर हो जाएगा, प्रोटीन्स में कन्वर्ट होके फिर वो एक तरह का प्रोटीन है, तो वो फिर एमाइनो एसिड में चला जाएगा। ठीक है, तो उसका वो बन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, हीम कैसा है, हीम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयरन प्रेजेंट होते हैं और पोरफायरिन। आयरन प्रेजेंट होता है और पोरफायरिन, आयरन का भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है कुछ, है ना, ट्रांसफेरिन वगैरह, तो वो प्रोटीन्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ये भी यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बॉडी में यूटिलाइज हो सकता है ना, फर्दर न्यू ब्लड सेल्स बनाने के लिए। पोरफायरिन का क्या होता है, पोरफायरिन बेचारा ही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये बिलीवर्डिन बनाता है, बिलीवर्डिन फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में
कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर बिली वर्ड इन ना ये कलर देता है ना, तो कलर का बात करें तो ये ग्रीन कलर होता है और ये वाला येलो कलर होता है, ठीक है। अब बिली रूबिन ही दो जगह चला जाता है, या तो फिर ये बिली रूबिन कहाँ जाएगा, ड्यूओडेनम में जाकर निकलेगा, हम लोग पढ़े हैं ना एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू निकलेगा, तो एम्पुला ऑफ वेटर से ड्यूओडेनम में गया, तो ये ड्यूओडेनम में गया, ड्यूओडेनम से फिर ये वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, यानी कि वो रेक्टम में गया है ना, रेक्टम से चला जाएगा, फिर वो स्टूल में चला जाएगा, वो पास ऑन हो जाता है, तो वहां पे वो स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है, स्टर्कोबाइलिनोजन में, और फिर वो स्टूल में चला गया। तो यहाँ से जो बिलीरुबिन है इसका दो चीज हो सकता है, जो बिलीरुबिन है या तो स्टर्कोबाइलिनोजन में कन्वर्ट हो सकता है, या तो फिर वो यूरोबाइलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें होगा, यूरोबाइलिनोजन में कन्वर्ट होगा, कुछ वो ब्लड में फिर एब्जॉर्ब हो सकता है, ब्लड में उससे होता है वो किडनी में चला जाएगा, तो इसका ये रूट होता है कि ब्लड में चला जाएगा फिर किडनी में वो यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, यूरोक्रोम येल्लो कलर का होता है, कैसा होता है येल्लो कलर, तो येल्लोइश सुसु दिखता है ना येल्लो यूरिन, तो ये यूरिन में आपका दिखेगा येल्लो कलर का। स्टूल के अंदर स्टर्कोबाइलिनोजन कैसा होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है, तो ये ब्राउन स्टूल, ब्राउन पार्टी होता है ना, तो ये ब्राउनिश कलर स्टूल का इससे आता है। तो ये आपको दो चीज में याद रखना है, स्टर्कोबाइलिनोजन होता है और एक यूरोबाइलिनोजन, तो दीज आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ हीम, है ना। तो इसके कंपोनेंट में बाइल पिगमेंट्स, यानी कि एक तरह से क्या हो गया, क्या सीख रहे इतना, बाइल प्रोडक्ट एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो बाइल जब जा रहा होता है ना, तो बोलता है कि अरे बाइल सॉल्ट्स तुम तो जाओगे डाइजेशन वगैरह कराओगे, तो हमारा ये वेस्ट वगैरह भी लेके चला जाओगे, तो एक तरह से क्या हो गया, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए जो कि किडनी या फिर रेक्टम के थ्रू निकल के बाहर चले जाते हैं बॉडी से, ठीक है, तो ये एक्सक्रीट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं या फिर डेफिकेट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या, कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसिस होता है हेपेटोसाइट्स में, और वो कोलेस्ट्रॉल को लिक्विड स्टेज में कौन रखने का मदद करता है, फॉस्फोलिपिड, है ना, फॉस्फोलिपिड उसको जनरली लिक्विड स्टेट में मेंटेन रखता है, बट अगर मेंटेन नहीं हुआ तो गॉल ब्लैडर जो प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं ना, कैल्शियम वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है इसके अंदर जो कंपोजिशन है, तो कैल्शियम डिपोजिट वगैरह हो जाएगा, तो ये गॉल स्टोन्स बना देगा, गॉल स्टोन्स, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बाइल नहीं बाहर जाएगा, तो बाइल निकलने में बाइल को कठिनाई हो जाएगी, बाइल को दिक्कत हो जाएगा निकलने में, तो इट कैन कॉज ए डिजीज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, है ना, जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस जो बोलते हैं ना, बाइल नहीं निकल पा रहा है ना, बाइल अपना ड्यूओडेनम में जाना चाहिए ना बाइल को, तो बाइल ड्यूओडेनम में नहीं जा पाएगा, ड्यूओडेनम में जाने के बदला ये ब्लड में एब्जॉर्ब होने लग जाएगा हेपेटोसाइट्स के थ्रू, ब्लड में ना हेपेटिक वेन के थ्रू इन्फीरियर वेना कावा में चला जाएगा, पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, तो बॉडी में पूरा स्प्रेड हो जाएगा, तो आईज हो गया ना, स्किन हो गया, सब में येलोइश दिखने लगता है, तो ये येलो इसलिए दिखने लगेगा, येलोइश ग्रीन कलर का तो होता ही है ना ब्लड, है ना, तो बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, तो मुंडी ये येलो कलर दिखने लगता है, ठीक है। तो दिस इज द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड द फॉस्फोलिपिड, तो इसीलिए फॉस्फोलिपिड भी बहुत जरूरी है, इट इज ए एग्जाम्पल, एक हो गया लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है लेसिथिन, तो इसको अच्छे से बना के रखता है, अगर ज्यादा दिक्कत हो गया तो फिर गॉल ब्लैडर को हटा के रिमूव करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज कोलेसिस्टेक्टोमी, क्या बोला जाता है, कोलेटोमी मतलब रिमूवल होता है, और कोलेसिस्टेक गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है, तो कोलेसिस्टेक्टोमी किया जाता है ना, ज्यादा फुड़ा हुआ तो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है गॉल स्टोन के कारण, तो दैट इज कॉल्ड एज कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस हो गया।
तो मेडिसिन वगैरह से ठीक हो गया तो बहुत अच्छा, अगर सर्जिकल रिमूवल का जरूरत हो गया तो कॉलेसिस्टेक्टॉमी कहा जाएगा। ठीक है, तो कुछ जरूरी नहीं है कि गॉल ब्लैडर चला गया तो दिक्कत हो गया, गॉल ब्लैडर चला गया तो कुछ डाइटरी चेंजेस वगैरह के कारण, मेडिकेशंस के कारण पेशेंट्स कैन स्टिल दे कैन लीव। तो ये तो हो गया बाइल का कंपोजिशन और उसके अकॉर्डिंग कुछ फंक्शंस हो गए। ठीक है, बाइल का ये फंक्शन हो गया। अब फिर कुछ मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस है ना, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन बहुत ही आसान है, कुछ भारी चीज़ नहीं है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में क्या, जो जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, तो सारा मेटाबॉलिज्म कराता है। करीब है ना 500 से करीब 1000 टाइप के रिएक्शंस लीवर में होते रहते हैं, तो उतना सब डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स कुछ जान लीजिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन वगैरह का कन्वर्जन में ये मदद करता है। तो जो भी एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है तो एक्सेस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन। ठीक है, और फिर अगर एक्सेस अगर अनसन कर दिया है ना, तो ये जो भी एक्सेस वगैरह ग्लूकोज है उसको करके ग्लाइकोजन के अंदर स्टोरेज कर दिया, तो ये इसका ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म हो गया। और इस स्टेप को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा चीज है कि इसको तोड़ भी सकता है जब अनसन वगैरह करते हैं या फास्टिंग करते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, सब लोग करते हैं ना, एक दो तक आध दो चार दिन नहीं खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो उस समय ग्लाइकोजन अपने स्टोर से रिलीज करा देगा और ब्लड में वो भेज देगा, तो इस ब्लड में भेज देगा और फिर वो ग्लूकोज बना देगा। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब कि ब्रेक डाउन, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर देगा। और कौन सा मदद इसमें करेगा, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन करेगा। और ग्लाइकोजेनेसिस में इंसुलिन मदद करता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। दे आर ऑल रिलीज फ्रॉम द पैंक्रियास। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये हो गया, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी बना सकता है, यानी कि प्रोटीन हो गया है ना, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, उससे भी ये ग्लूकोज बना सकता है। तो ग्लूकोज ऐसा कोई भी ना कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनाया है ना, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है उससे नहीं बनाया, तो ये कैसा हो गया, दीज आर कॉल्ड एज नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से बनाया तो इसको नया नाम दे दिया, तो इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं ना, हेपेटोसाइट्स है ना, ये सब हेपेटोसाइट्स के अंदर हो रहा है, सब कुछ किस में होगा, हेपेटोसाइट्स यानी कि सब लीवर के अंदर हो रहा है, तो ये सब लीवर का फंक्शन है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, मेटाबॉलिज्म के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का देख लिए ना, इसी तरह सिमिलरली लिपिड्स वगैरह का भी हो जाएगा ना, लिपिड्स वगैरह से भी देखे तो फैट्स बना सकता है, कुछ फैट्स को स्टोर करके रख सकता है ना, फैट्स है ना, जो भी फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल वगैरह प्रेजेंट है तो उसको वो स्टोर करके भी रख सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो ज़्यादा स्टोरेज हो गया तो इसी के कारण मैंने बताया था फैटी लीवर हो सकता है, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, तो ये फैट्स का स्टोरेज भी कर सकता है, तो ये देर इट कैन फैट्स है ना, तो और फिर नया फैट्स मतलब कि फैट बना भी सकता है, क्या कर सकता है, फैट्स बना सकता है, तो इसको स्टेप को क्या बोलेंगे, लाइपोजेनेसिस। ठीक है, और भी कोई भी प्रोटीन हो गया, अमाइनो एसिड, उससे भी ये फैट्स वगैरह बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो भी इसको बोलोगे सारा लीवर सब काम कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल वो याद रखना है। फिर प्रोटीन्स वगैरह हो गए, प्रोटीन के अंदर क्या होगा, प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सी कार्बन होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और उसके अंदर NH2 ग्रुप रहता है, अमाइनो ग्रुप बोलते हैं, तो यही NH2 वाला जो ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप जिसे कहा जाता है, तो वो अमाइनो ग्रुप को वो हटा देगा, तो अमाइनो ग्रुप से हटाने के बाद अमोनिया रिलीज होता है, तो यही अमोनिया वो भी ये सब भी कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर, तो ये
प्रोसेस जो हुआ इसे डीएमिनेशन कहा जाता है। तो ये सब टर्म प्रोसेस का नाम सब याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है ऐसे डीएमिनेशन कहाँ होता है तो याद रखना है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आर चेंज होते रहता है तो बहुत वेरियस तरह का एमाइनो एसिड बन सकता है, ये एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो टूट गया तो ये अमोनिया बन गया और फिर वो कंपाउंड कोई भी सभी जो बनेगा, ठीक है, तो ये अमोनिया जो है ये हार्मफुल प्रोडक्ट होता है। अमोनिया को ना यूरिया साइकिल यूरिया में कन्वर्ट करता है वाया यूरिया साइकिल, ठीक है। तो एक यूरिया साइकिल इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यूरिया साइकिल के अंदर ये लेस हार्मफुल है, अगर बात के कंपेयर किया जाए अमोनिया और यूरिया में तो ये लेस हार्मफुल है। तो इसी तरह एक डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है, तो ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में जो अमोनिया बना उसको भी हटा देगा, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट द वेरियस मेटाबॉलिज्म, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम टू अबाउट द विटामिन, है ना, कुछ विटामिन वगैरह भी स्टोर कर सकता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा तो फैट स्टोर कर सकता है, तो ये कुछ तरह के फैट सॉल्युबल विटामिन भी स्टोर कर सकता है। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन बताइए, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी और ई के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के का ये स्टोरेज भी कर सकता है, ठीक है। और फिर ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी भी यही बनाता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, जिसे कि 125 ना दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देता है तो 125 है ना डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल, डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी नाम याद नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोले कैल्सिफेरॉल, बस इतना याद रखिएगा कि ये एक्टिव फॉर्म विटामिन डी का बना देता है। और एग्जाम में पूछ लिया कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है तो ये बस उसके लिए ये आंसर है 125 है ना डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल। तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये सब क्या हो रहा है लीवर के अंदर, है ना, लीवर का ये सब फंक्शन है भाई, लीवर ये सब भी कर सकता है, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू फंक्शंस, और कुछ प्रोटीन भी बना सकता है ना, जो हमने प्रोटीन पढ़ा, प्रोटीन भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन भी बना सकता है, जैसे कि हमारा प्रोथ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फिब्रोनोजेन हो गया जो कि एंटीकोएगुलेंट्स है, तो ये वेरियस टाइप के प्रोटीन्स भी बना सकता है। एंटीकोएगुलेंट होता है जिसे हेपेरिन कहा जाता है, तो ये भी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यू कैन रिमेम्बर हेपेरिन। तो ये सब वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो गया, तो जिसे प्रोटियोजेनेसिस बोल देंगे, प्रोटियोजेनेसिस प्रोटीन का बनाना, तो प्रोटियोजेनेसिस, तो वेरियस तरह के प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस। और फिर एक क्या है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जो हम लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं दवा वगैरह खाते हैं तो उसका भी जो जरूरत का चीज़ है वो तो बॉडी यूटिलाइज कर देगा, जो फालतू चीज़ें हैं उसको भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से हटा देता है, तो डिटॉक्सिफाई यानी कि टॉक्सिन को हटाना, तो डिटॉक्सिफिकेशन। अल्कोहल भी इनटेक करते हैं तो अल्कोहल इनटेक के समय भी जो ज़्यादा एक्सेस जो अल्कोहल हो गया तो उसको भी रिमूव कर देता है, तो अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल लेते हैं ना, इथेनॉल को वो एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो फर्दर एस्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एस्टिक एसिड ये बहुत ही ज़्यादा है ना ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, दे कॉजेज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब कि भाई स्ट्रेस में आ गया पूरा हेपेटोसाइट तो उसका फंक्शन गड़बड़ा जाता है एस्टिक एसिड वगैरह के फॉर्मेशन के कारण। तो इसीलिए क्या जो थोड़ा बहुत रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, तो अगर थोड़ा बहुत अल्कोहल पी रहा है तो रीजनरेट होकर लीवर ठीक कर सकता है, ठीक है। बट अगर ज़्यादातर लगातार यूज़ हो रहा है ना, लगातार डैमेज हो जाएगा हेपेटोसाइट्स, तो बहुत दिक्कत होगा क्योंकि लगातार अल्कोहल आए जा रहा है, तो इट कैन कॉज ए डिजीज कॉल्ड सिरोसिस ना लीवर सिरोसिस, तो वे लीवर सिरोसिस भी कर सकता है, जिसके अंदर की लीवर पूरा कम्प्लीटली डैमेज, सारा सेल्स डैमेज हो सकता है, हेपेटोसाइट सारे डैमेज हो जाते हैं, फिर भाई प्रॉब्लम आ जाएगी,
चलिए ठीक है, तो दीज आर द वेरियस मेटाबॉलिक जो कि समराइज किया हुआ है। देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन हमने पढ़ा सब, कार्बोहाइड्रेट लिपिड अमीनो एसिड्स के बारे तो ठीक है, सिंथेसिस है ना, एल्बुमिन वगैरह भी बनाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स वगैरह बनाता है, इवन क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है, फिब्रोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, हेपेरिन हो गया ठीक है। फिर सिक्रेटरी फंक्शन में मेन फंक्शन जो डाइजेशन से रिलेटेड है बाइल वाला, तो बाइल वाला काम हमने देखा। फिर डिटॉक्सिफिकेशन तो करता ही है ना, मेनली जो ड्रग्स हो गया एल्कोहल का ना, एल्कोहल हो गया एल्कोहल एंड ड्रग्स का, एल्कोहल एंड ड्रग्स का वो करेगा। फिर स्टोरेज फॉर्म है ना, ग्लाइकोजन जो हमने पढ़ा स्टोर करके भी रखता है भाई ना, गोदाम है भाई है ना, गोदाम है अपना लीवर, सब कुछ स्टोर करके रखता है, विटामिन बी 12 भी स्टोर कर सकता है ठीक है, और आयरन हो गया, विटामिन है, ये सब भी। तो दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लीवर। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स वगैरह देखे हम लोगों ने, क्या डक्ट सिस्टम है एसोसिएटेड, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, हेपेटिक लोब्यूल एंड ऑल, फिर पोर्टल ट्रायड के बारे में पढ़ा, तीन चीज जो होते हैं पोर्टल ट्रायड के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें कि हेपेटिक आर्टरी आता है, हेपेटिक जो पोर्टल वेन होता है, और फिर बाइल कैनालिकुल है बाइल डक्ट का ठीक है। तो दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव स्टडीड, लेट अस स्टडी नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टडी अबाउट द पैंक्रियास एंड देन वी विल कवर द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए अभी तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, शेयर करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल डॉक्टर उज्ज्वल बायोलॉजी क्लासेस, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो लेट अस स्टडी लाइफ एंड कंटिन्यू स्टडी लाइफ। चलो बाय बाय।